तो हम लोगों ने फाइल नहीं हर की रंजे भाई, तो अभी चलते हैं एक और एक हमारा बंड नंबर सेरा भाई अभी हम लोग का वेट कर रहा था आ रहा है अभी बहुत ही इसने वेट करा है और बताइए इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे ये जो और अभी रात की एग्जैक्टली 8:45 हो रहा है 8:45 में बिजली भी चमक रही है तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे तो चलिए चलते हैं फिलहाल हमारे ब्लॉग में बने रहिए तो अभी हम लोग आ चुके हैं ये देखिए हमारा घर है और घर के सामने चार भाई भी बैठे हुए हैं ये जो अभी सामने देख रहे हैं हमारे फर्स्ट नेताजी हैं जो अभी फेमस तो ऑलरेडी हो चुके हैं इनको क्या फेमस करना है ये हमारे नेताजी हैं अभी JDU संघ के प्रखंड अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं और ये देखिए भाई है मेरा जो घर में हमारे घर के बगल में घर है इसका और ये अभी तो हम जानते नहीं इस इंसान को इसका परिचय हम खुद दिलाते हैं बताओ ये बोलना चाहता है भाई छोटे भाई है ड्राइवर काम करते हैं इनको तो आप लोग को गाड़ी बुक करना है तो इनका नंबर डाल देंगे हम आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी जाना हो ये देखिए धनंजय भाई हैं और ये हमारे पनाव पापा हैं सुरु चाचा हैं बहुत ही क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं सुख दुख के साथी हैं पूरे परिवार का जारे फुटबॉल खेलते हैं वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स तो अभी हम लोग फिलहाल अपने घर के पास आ रही है देखिए मेरा ये ब्लू वाला घर है और इधर सब हमारे चाचा भाई लोग का घर है और अभी ये देखिए 150 साल पुराना पीपल का पेड़ भी दिख नहीं रहा है और चमक भी रहा है क्योंकि बारिश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब आए और 4-5 दिन एकदम रेगुलर बारिश पड़े तो अभी हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में बने रहे ब्लॉग में तो चलते हैं बना रहे हैं हमारे कहाँ है RPF वाले रिटायर बाबा मैं एंट्री करने के लिए ठीक है तो अभी हम बाइक नहीं चलाएंगे अभी हमारा सीटू भाई चलाएगा बाइक हमारे गाँव के तो अपने गाँव के पूरब साइड आ चुके हैं और इधर से हम सीधे बाहर निकल जाएंगे मिश्रवलिया की तरफ यानी RSSM रोड पकड़ लेंगे और वहीं पर फंक्शन है ज़्यादा दूर नहीं है थोड़ी सी दूर पे है और ये हमारे गांव के पूरब साइड का एरिया है तो देख सकते हैं अभी इधर ही हम लोग होलिका दहन करते हैं यहाँ पे तो अभी जो लाइट है तो पूरे गाँव में एकदम और अभी रात की एग्जैक्टली 8:45 हो रहा है 8:45 में बिजली भी चमक रही है आप लोगों को पता है कि गर्मी कितना पड़ रहा है बिहार में भी टेम्परेचर 45 डिग्री है तो बारिश आने की संभावना अभी मानसून बिहार में नहीं आ पाया है तो उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक आज हम लोग फिलहाल मिश्रवलिया गांव में एंट्री कर चुके हैं बहुत दिन बाद आए हैं पहले आते थे लेकिन अभी बहुत दिन बाद आ रहे हैं हम मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिख रहा है तुम लोग आ चुके हैं फंक्शन वाले घर के पास और ये देखिए अभी सीटू भाई पार्किंग कर रहा है गाड़ी बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है और ये देखिए यहाँ पे फंक्शन हो रहा है हर कीर्तन हो रहा है हरे राम हरे कृष्णा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये देखिए मोटरसाइकिल का पार्किंग बहुत सारे लोग आए हैं सारे लोग फंक्शन में आ चुके हैं ये देखिए अभी हर कीर्तन हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे भोजन का कार्यक्रम चल रहा है और ये अभी इधर नेतागण मंत्री बैठे हुए हैं तो ये देखिए हमारे 5 भाई लोग बैठे हुए हैं ये हमारे माननीय सलेश भी आए हैं और ये भाई और उधर सीटू नेता बैठे हुए भाई और इधर देखिए अभी कैसा माहौल है हर कीर्तन का भोजन हम लोग करने आए हैं और हम लोगों ने भोजन तो हम लोगों ने फाइनली हर कीर्तन का भोजन कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं फिलहाल घर की ओर अब ये देखिए हमारे धनंजय भाई तो अभी चलते हैं एक और एक हमारा बंडमरू दोस्त है वो भी आ रहा है पीछे तो देखिए अब पता नहीं क्या कॉमेडी करते रहता है तो आई होप हमारा ब्लॉग आप लोग अच्छा रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जय हिंद आ रहा है अभी बहुत ही इसने वेट करा है और बताइए इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे ये जो ये पानी में जो रखा हुआ है मटेरियल इसी के लिए ये इंसान वेट कर रहा था अभी कब से जा नहीं रहा था बताइए और ये देखिए अभी गाड़ी हम लोग अब चलते हैं रात की अभी 10 बज रहे हैं तो चलिए चलते हैं फिर फाइनली अभी घर पे आ चुके हैं और आई होप हमारा ब्लॉग आप लोग और ये देखिए हमारा अभी सेरा भाई अभी हम लोग का वेट कर रहा था तो ठीक है चलिए हमारा ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जय हिंद।